किया। तो मैं भी दो तीन दिन से डॉक्यूमेंट सारे बटोर रहा था। So these are all the markings for the portal, no? You make a mark where to be model is big. That's all. So they'll just clean it up. So much gap. That's all. Mm. Because the cannula is that big. Yes, screws and all this small. तो अभी हॉस्पिटल से निकल गए, इंश्योरेंस का भी पूरा पेपर वर्क ले लिया यहाँ से। अब लड़ाई शुरू होती है इंश्योरेंस की। तो घर आके वही इंश्योरेंस वालों से बात बात हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। अब जरा खाना खा लेते हैं। खाना खा के मैं आपको पूरा छोड़ देगा, बट आई टेक दिस टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना होगा ले जाऊंगा। बट अभी इमीडिएटली आई एम फाइलिंग अ दिस थिंग इन कंज्यूमर कोर्ट। नहीं सर, आप आइए मंडे को, चेक लेके आइए, क्रॉस चेक, वी विल डू इट, डोंट प्लीज कम टू ऑफिस। तो मंडे या ट्यूजडे को जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो है बेसिकली ध्रुव की, आपको पता है, जो लोग भी व्लॉग में हमारे देखते हैं उनको पता है कि ध्रुव की सर्जरी हुई थी। तो आज उसकी वो ड्रेसिंग वगैरह निकालनी है, नई ड्रेसिंग करनी है, कुछ होगा तो डॉक्टर ने बोला है आ जाओ 11 बजे तक, तो वहीं जा रहा हूँ। प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज एक लड़ाई शुरू इंश्योरेंस कंपनी के साथ। बड़ी इतने बदमाश हैं, पोस्ट सर्जरी के बाद बोलते हैं सिर्फ आधा ही अमाउंट उन्होंने रिलीज किया और कैशलेस हमारा इंश्योरेंस था, और आधा भी नहीं किया, बेसिकली 40-35% समथिंग उन्होंने रिलीज किया। तो मैं भी दो तीन दिन से डॉक्यूमेंट सारे बटोर रहा था, देख रहा था इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ ब्लडी एकदम ऑर्डर में। तो आज से मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूं, अब मैं लीगल फाइट करूंगा इन लोगों को, सालों को। आई विल टेक कंपनसेशन आल्सो फ्रॉम देम। आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको कौन कौन टीपीए है, क्या है, एंड क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू सी। कॉर्पोरेट में ये लोग ज्यादा दिक्कत नहीं करते, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस हो, अगर प्राइवेट इंश्योरेंस हो तो हाउ डू दे ट्रबल यू, यू नो, ये सब मैं आज बताऊंगा। मैं पूरा डिटेल में आज इस पे बातचीत करूंगा पूरे व्लॉग में, तो बने रहिए, देखते रहिए। अगर आप भी कभी फंसते हैं या कुछ करते हैं तो डोंट लीव देम, दिस इज अ फाइट, और इसको मैं फॉलोअप करूंगा और अपडेट भी करूंगा कैसी चल रही मेरी फाइट। तो इस छोटे ठाकुर की आज होनी है ड्रेसिंग, वही ड्रेसिंग रिमूविंग वगैरह वगैरह, जो भी पोस्ट सर्जरी केयर है, इसको ये कहते हैं ना, पोस्ट सर्जरी केयर। और ये सरदार जी ये जूड़ा भी लगाया हुआ है बावलों की तरह। चलिए निकलते हैं। तो अभी मैं और ध्रुव निकल गए हॉस्पिटल के लिए, चलिए हॉस्पिटल चल के मिलेंगे आप। पहुंच गए हॉस्पिटल, सीधे लास्ट में चलना हुआ कैजुअलिटी में। काफी भीड़ है आज। ही विल डू इट, नो नो, व्हाट आई मीन टू से, टी शर्ट रिमूविंग, यू हैव टू रिमूव द टी शर्ट। अपने आप उतारेगा, ही विल हेल्प यू। ये देखिए, ये है इसकी पोजीशन। थ्री की होल्स विच वॉज डन,
See, shoulder. So these are all the markings. Portal, no? You make a mark where to go. This is well built. So only from even this much you finish the surgery. Here, there's one more. See, that's the back side. You I see, this also the reason is for you to access everything. Yeah. You have what? It's a plastic can. Okay. Cannula, we call it. Huh. Through this, everything is done. So that's a protective unit because it can go through the hole on top. That is sent completely into the joint. Okay. Through that only everything is done. That's all. So they'll just clean it up. This much gap. That's all. Because the cannula is that big. Yes, screws and all this small, but it has to go now. So Dhruv ke andar chal rahi hai. ड्रेसिंग वगैरह और मैं वो इंश्योरेंस वाले से बात कर रहा था तो वो बता रही है सब अब वो पूरा गेम प्लान बताएगी करेंगे इसकी लड़ाई करेंगे इंश्योरेंस वालों से दिस इज़ नॉट फेयर ठीक है मेरे पास पैसे थे तो मैंने कर दी पेमेंट जो कोई नहीं है जिसके पास पैसे वो क्या करेगा हाँ और इतने सालों से मैं 14 साल से प्रीमियम भर रहा हूँ कभी यूज़ नहीं किया And this is the treatment. Not fair. We'll fight. Done, na? Sister? Done. Now what we have to do is we have to buy that... That one, waterproof. Just keep it. What it is called? Push le, na? Handy plaster. Handy plaster, that round one. Yeah. No. Full one. Waterproof wala. Yes, sir. Okay, thank you. Sukanya is done? Yes, sir. Okay, thank you so much. Chalo. Iski ho gayi abhi. ड्रेसिंग का काम अब निकलते हैं सुकन्या से भेंट करते हैं तो अभी हॉस्पिटल से निकल गए इंश्योरेंस का भी पूरा पेपर वर्क ले लिया यहाँ से अब लड़ाई शुरू होती है इंश्योरेंस की निकल गए यहाँ से अब जा रहे हैं जरा रेंज रोवर की व्हील अलाइनमेंट करनी है बैलेंसिंग और अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ थोड़ा पुल कर रहा है तो उसको करा लेते नहीं तो टायर खराब होएगा चलिए मिलते हैं वहाँ पे मीनवाइल मैंने विनोद को जरा फार्म के नए फार्म के लिए ब्रश कटर वगैरह खरीदने के लिए जेसी रोड भेजा स्टील का ब्रश कटर तो देखिए कैसे वो असेंबल करके नया ब्रश कटर FS 250 द बेस्ट ब्रश कटर यू कैन बाय वो सब खरीद के अभी ले जाएगा तो देखिए आपसे पूरा असेंबल वगैरह करके विनोद जो है गाड़ी में लोड करके निकल गया फार्म के लिए और हम पहुंच गए व्हील अलाइनमेंट की शॉप पे पहुंच गए अपनी दुकान यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग सब होती है यहाँ पे हम कराते हैं माय रेगुलर टायर शॉप व्हील अलाइनमेंट टायर रोटेशन बैलेंसिंग सारा काम शुरू हो गया हेलो बोलो चाचा ओ चाचा हेलो बोलो हेलो ये पिछले 20 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ यही करते हैं हमारी गाड़ी का सारी गाड़ियों का काम क्या नाम है आपका सलीम खान सलीम भाई पुराने खिलाड़ी हैं ये टायर का पूरा इलाज जानते हैं और ये आपका असिस्टेंट है क्या ट्रेनिंग चल रहा है कि आ गया इसको भी पूरा आ गया टायर रोटेशन हो गया अभी रैंप में लगा रहे हैं इसको फॉर अलाइनमेंट व्हील अलाइनमेंट इसको अलाइनमेंट बोलते ना बैलेंसिंग तो हो गया व्हील अलाइनमेंट थोड़ा पुलिंग हो रही थी लेफ्ट साइड को तो आई थॉट
चल करा लेते हैं इसको। दिखाई देता है लेफ्ट पुलिंग कितना डिग्री आउट है, कितना डिग्री इन है, तो एडजस्टमेंट करके इसको सब सेट कर देंगे तो हो जाएगा अपना गाड़ी रेडी। ये देखिए नीचे बैठ के सलीम भाई और उनका असिस्टेंट कर रहे काम। चलिए हो गया सब काम, अलाइनमेंट बैलेंसिंग, अब निकलते हैं। तो अभी घर पहुंच गए, मोटा हमारा सिगरेट वाला मोटा होता जा रहा है। जब सिक्योरिटी वाले मोटे होने लगे तो बम्बू करने की जरूरत है। चलो तो जब मैं डाल दूं घर आके वही इंश्योरेंस वालों से बात बात हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, अब जरा खाना खा लेते हैं। खाना खा के मैं आपको पूरा किस्सा इंश्योरेंस का बताऊंगा, जैसा मैंने बताया था पहले, और क्या क्या करना है। खैर अभी तो लंबी जर्नी है, इनकी बैंड बजानी है इंश्योरेंस वालों की। तो अपना खाना लग गया, क्या क्या भाई? अरे वाह, शाम की सरसों का साग मेरी फेवरेट है। सलाद हो गया, अनपॉलिश्ड राइस और मूंग की दाल। चलिए खाना खा के मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 बज गया, घर आके नहा धो के फ्रेश एकदम। तो आज का अपडेट ये है इंश्योरेंस का, सालों ने परेशान तो खूब किया, फिर मैंने लास्ट में उनको धमकी दी। धमकी क्या, मैंने बोला कि भाई देखिए, मैंने सारी ऑडियो जो आपसे बात हो रही है मेरी सब रिकॉर्ड कर ली है, और आपने बोला कि नहीं होगा ऐसा वैसा, मतलब थोड़ा नाटक कर रहे थे। और सडनली उनका सीनियर आया लाइन पे, हड़काया, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं और इस तारीख का मेल है, ये है वो है सब। आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, एंड यू वर ट्रीटिंग दिस केस लाइक कोई भी यू नो जनरल छोड़ देगा, बट आई विल टेक दिस टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना होगा ले जाऊँगा। बट अभी इमीडिएटली आई एम फाइलिंग अ दिस थिंग इन कंज्यूमर कोर्ट। नहीं सर, आप आइए मंडे को, चेक लेके आइए, क्रॉस चेक, वी विल डू इट, डोंट प्लीज कम टू ऑफिस। तो मंडे या ट्यूसडे को जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। यही है ये साले, यू नो इंश्योरेंस कंपनीज आर द बिगेस्ट फ्रॉड्स यार। इमेजिन अगर कोई गरीब आदमी इंश्योरेंस करा के जिसके पास नहीं था पैसा, तो कैसे करता, छुट्टी नहीं मिलती हॉस्पिटल से, हैं बताइए। सर्जरी हो रही है, बोल रहे सर्जरी के चार्ज देंगे बट इम्प्लांट्स के चार्ज नहीं देंगे। स्टेंट लगा रहे हैं, हार्ट सर्जरी है, स्टेंट लगा रहे हैं, सर्जरी के पैसे देंगे, स्टेंट के पैसे नहीं देंगे, ये कोई बात हुई क्या? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैशलेस इंश्योरेंस? अभी लाइन पे आ गए हैं साला, जब तक डंडा नहीं लगा हो ना सिस्टम काम नहीं करता इंडिया में। तो ये था अपडेट अबाउट इंश्योरेंस। चलिए इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। ये देखिए ये ऑफिस से आके खाना वाना खा रहा है। कैसा रहा जो साहब खाना खा रहे हैं? डॉन साहब, अपने आप को साहब भी बोल रहे थे, और क्या है, डॉन खाना खा रहा है ऐसा बोल, डॉन खाना खा रहा है। चलो हाँ, अपने खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो यही हुआ दिन भर, इंश्योरेंस का काम हुआ, प्लस जो भी था आपने देख लिया। तो इस ब्लॉग को ये क्लोज करते हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय, गुड नाइट।